हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म पीएसपी। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कॉनकेव मिरर की क्या क्या रूल्स होते हैं, इससे हम रेडाग्राम्स बना सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में छह रेडाग्राम्स बनाए भी थे और उन छह रेडाग्राम्स हमने अलग अलग अपनी ऑब्जेक्ट की पोजिशन रखकर ये देखा था कि इमेज कहाँ का बन सकती है, कैसी बन सकती है और उस इमेज का साइज क्या हो सकता है। आज हम लेक्चर में उसी कॉनकेव मिरर के यूजेस देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो आज हमारे पहला जो यूज है कॉनकेव मिरर का, वो हो सकता है यूजिंग टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स टू गेट पावरफुल बीम लाइट। तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे कॉनकेव मिरर के यूजेस हैं। पहला जो यूज है उसका वो ये है कि हम कॉनकेव मिरर को टॉर्च वगैरह में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। इसमें हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। वो सारी लाइट को एक फोकस पे कन्वर्ज कर देता है। तो कोई भी लाइट अगर पैरेलल आ रही होती है तो वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है, और कोई भी लाइट अगर फोकस से पास हो रही है तो वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट देता है। जैसे कि हमने देखा टॉर्च वगैरह, अगर आप देखते हो तो आपने अगर टॉर्च वगैरह को देखा इस तरह से, तो टॉर्च में कैसी एकदम इस तरह की पैरेलल लाइट्स आती हैं, ठीक है। चाहे लाइट टॉर्च की हो या कह सकते हो आप लाइट हेडलाइट वगैरह जो व्हीकल्स वगैरह में लगी होती हैं, तो उन सब में इस तरह की पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आती हैं। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर की वजह से आ रही होती हैं। इसके पीछे में एक डायग्राम होता है, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, इधर से पॉलिश कर दिया, ये कॉनकेव हो गया, ठीक है। और फिर आपने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका सेंटर और यहाँ क्या है आपका मान लो फोकस है, ठीक है। अब आप यहाँ से इसकी डायग्राम बनाओगे तो मान लो कोई भी लाइट आपकी फोकस से अगर जा रही है तो वो सीधी पास होगी, ये हमने पढ़ रहा है इसके, ठीक है। अगर ये इंसिडेंट लाइट यहाँ पर है तो साइड लाइट कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होगी। इस तरह से आप कोई भी लाइट अगर बना रहे हो तो आप देख सकते हो ये लाइट सारी कहां से पास हो रही हैं, फोकस से पास हो रही हैं। तो हमने देखा इतनी भी रे लाइट्स आ रही हैं, सारी की सारी ये पैरेलल आ रही हैं। तो हमने देखा कि टॉर्चेस, सर्च लाइट्स और व्हीकल्स में पैरेलल पावरफुल बीम लाइट के लिए लाइट्स का पैरेलल आना जरूरी है, ठीक है। अगर लाइट एक जगह पैरेलल आएंगी और एक ही जगह कंसंट्रेट होकर आ रही है, मान लीजिए हमारा क्या है बल्ब हो गया, जहां पर लाइट हमारी क्या है कंसंट्रेटेड है। अब कोई भी टॉर्च या व्हीकल की हेडलाइट आप देखोगे तो इस बल्ब से पीछे की तरफ कॉनकेव मिरर होगा। कॉनकेव मिरर क्यों होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर से ये लाइट रिफ्लेक्ट करके हमें बिल्कुल सीधी एक कंसंट्रेटेड बीम ऑफ लाइट देंगी, जिसकी वजह से हम कोई भी देख सकते हैं और हमें ज्यादा से ज्यादा लाइट यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं टॉर्च और व्हीकल्स में कॉनकेव मिरर का इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि अगर फोकस का बल्ब मांग लो, यहाँ से सारी रेज इमर्ज हो रही है या इंसिडेंट हो रही है, वो पीछे की तरफ जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक होंगी और एकदम पैरेलल लाइन में सीधी की तरफ आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का बहुत यूज होता है कहां पर, आपके टॉर्च में, व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स होती हैं और आपके सर्च लाइट्स वगैरह जो पुलिस वगैरह यूज करती हैं। अच्छा, सेकंड यूज क्या है आपका, यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट। हमने लास्ट लेक्चर में सिक डायग्राम देखा था, जिसमें हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर में जो लास्ट डायग्राम था हमारा, वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज दे रहा था, ठीक है। उसी उसमें क्या हो रहा था, हमारी इमेज जो थी वो वर्चुअल इरेक्ट आ रही थी, यानी जैसे ऑब्जेक्ट रखा था वैसी उसी जैसा ऑब्जेक्ट रखा था उसी की कह सकते हो आप उसी के इन्वर्टेड नहीं थी, बिल्कुल रियल और वर्चुअल थी। मतलब जैसे आपका ऑब्जेक्ट रखा था उसी के सेम साइज में रियल इमेज आ रही थी, लेकिन वो उससे बड़ी आ रही थी और मिरर के पीछे इमेज बन रही थी। तो इसका आप देख सकते हैं, हमने डायग्राम बनाया था लास्ट टाइम, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। अब यहां पर आपने सेंटर बनाया, यहां पर आपने फोकस बनाया, ये पोल है आपका, ठीक है। अब अगर आप कोई डेंटिस्ट वगैरह के पास एक मिरर होता है, उस मिरर को कहां लेके जाते हैं, वो फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, ठीक है। पोल मान लो आपका मिरर हो गया, ठीक है। अब फोकस और पोल के बीच में क्या, सॉरी, फोकस और पोल के बीच में डेंटिस्ट के टीथ रखते हैं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है टीथ, यानी पेशेंट के जो टीथ हैं वो हमें बड़े करके देखने हैं। अगर हम उसकी इमेज को जूम करके देख पाएंगे तभी हम उसका अच्छे से क्योर कर पाएंगे। तो जो हमारा मोटिव होता है वो डेंटिस्ट के टीथ इस तरह सेट करना, इतनी पास वो मिरर को लेकर आते हैं कि फोकस और पोल के बीच में क्या रहते हैं, डेंटिस्ट के टीथ आ रहते हैं। वो टीथ क्या है हमारा, वो टीथ हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से रेडाग्राम बनाते हैं अपना, तो आपको पता है कि सेंटर से कोई भी लाइन अगर पास हो रही है इस तरह से, तो वो यहीं से इंसिडेंट हो जाएगी, बैक आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम इसे थोड़ा सा आगे की तरफ इंक्रीज कर दें तो ये इस तरह से पीछे जाती हुई दिखाई देगी, अपीयर होगी,
मीट नहीं हो रही है। हमने देखा था इमेज की दो कंडीशन होती है, पहले कंडीशन ये कि इमेज वहां बनेगी जहां दो रे जहां आपकी दो जो रे लाइट है वो क्या कर रही हो, वो आपस में या तो मीट हो रही हो या अपीयर टू मीट या मीट होती मिलती हुई दिखाई दे रही हो। तो यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रही है जो पीछे की तरफ मीट हो रही है, एक्चुअल वो मीट नहीं हो रही है, लेकिन कहीं भी दो लाइट अगर मीट हो, दो रे लाइट जो आ रही है वो अगर मीट हो रही है तो क्या बनाएंगे, वो इमेज बनाएंगे। तो दूसरा अगर आपने फोकस से देखें, जैसे आपकी लाइट गई है वो कहां से पास होगी, वो पीछे की तरफ ऑब्लिकली बनाना, सॉरी ऑब्लिकली दूसरे बनाते ऑब्लिक, ऑब्लिकली अगर हमने यहां से पास किया तो वो आपका यहां से पास हो जाता है। ठीक है, ये इंसिडेंट हुई, सॉरी ये इंसिडेंट आपका ऐसे हुआ, ये आपका रिफ्लेक्ट हो गया। अब इसे थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कहां जाता है, यहां पर मिल जाता है, और यहां पर हमारी दो लाइट अगर मिल रही हो तो यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ए डैश बी, ए है आपका बी है ए डैश और बी डैश। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था सेम उसी जैसी रियल और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यहाँ पर बन गई है, रियल इमेज नहीं बनेगी, रियल इमेज कब बन गई, इन्वर्टेड हो। तो यहाँ पर हमने देखा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन गई है, इन्वर्टेड नहीं इरेक्ट, जैसी जिस ओरिएंटेशन में ये ऑब्जेक्ट आप पर रखा था उसी ओरिएंटेशन में आपको इमेज मिलेगी, लेकिन इससे इमेज का जो साइज होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। कंडीशन ये होगी कि आपको पोल और फोकस के बीच में जो टीथ है पेशेंट के वो रखने हैं, तो कौन के मिरर सब डेंटिस्ट के द्वारा देखते यूज किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिल जाती है, जिसकी वजह से वो क्या है टीथ वगैरह को देखकर उनकी साफ सफाई जो भी परेशानी होती है उसको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अगले देखा यूज शेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस, सेम ये फेनोमेना यूज करते हैं हम घरों में आप शेविंग वगैरह करते हैं, आपके डैड वगैरह आपने देखा होगा, तो वो क्या करते हैं मिरर लेकर आते हैं, उस मिरर में उनका जो शेविंग मिरर आते हैं, अलग से नॉर्मल मिरर होता है आपका प्लेन मिरर, उसमें भी कभी लोग शेविंग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार अलग से शेविंग मिरर्स आते हैं, उनमें जो आपका फेस होता है वो बड़ा दिखता है ताकि अच्छे से लोग शेविंग कर सकें। तो वो बड़ा कैसे दिखता है, उसमें भी ये फेनोमेना यूज होता है, जब आप पास जाकर खड़े होते हो तो आपको अपनी जो पोजिशन है फेस की वो यहाँ रखनी है कि फोकस और पोल के बीच में आ जाए, या कह दो कि आप मिरर के बहुत ही पास खड़े हो, जैसे आप मिरर के बहुत पास जाओगे तो आपका जो फेस है मिरर के अंदर बड़ा दिखेगा, यानी कि इमेज मिरर के अंदर बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज जो है इमेज मिरर के पीछे बनती है, बाकी सारी पांचों इमेज आगे बन रही थी। ठीक है, सेम यही फेनोमेना यहाँ पर यूज होता है थर्ड यूज में। फोर्थ एप्लीकेशन है यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट एंड सोलर फर्नेस, अब यही वाला एप्लीकेशन यहाँ पर यूज किया है, यहाँ पर क्या गैस का उल्टा लगा दो आप, अब बहुत सारी सनलाइट्स आपने देखी होंगी, जो सनलाइट्स आपकी आ रही होती है ना सन की तरफ से, तो वो सारी लाइट्स कहाँ कंसंट्रेट होती हैं, अगर आप सोलर फर्नेस चला रहे हो, ठीक है, सोलर भट्टी होती है उसमें हीट को कंसंट्रेट किया जाता है, मान लो ये सनलाइट्स हैं जो कहाँ से आ रही हैं, सन से आ रही हैं, ये सारी सन पैरेलल लाइट आएंगी क्योंकि तो इतनी दूर से आ रही है कि वो क्या है आपका सन जो है बहुत दूर है, इन्फिनाइट दूर हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, अब वहां से अगर लाइट आ रही है तो पैरेलल जो आएंगी, अब पैरेलल आने के बाद कहाँ पर जाएंगी वो सारी की सारी फोकस से पास होंगी, ये सारी की सारी लाइटें कहाँ से पास हो रही हैं फोकस से, अब फोकस से लाइटें सारी पास हो रही हैं, तो इससे पता चल रहा है कि एक जगह सारी लाइट क्या हो रही है कंसंट्रेट हो रही है, इतनी ज्यादा एक जगह लाइट कंसंट्रेट हो जाएगी तो वो चीजों क्या करेगी, वहां पर बहुत सारी हीट जमा हो जाएगी और उस हीट से क्या होगा जो सोलर फर्नेस होती है वो जल जाती है, क्योंकि सोलर फर्नेस को हीट ही चाहिए होता है। अब यहाँ पर आप कुछ भी गर्म कर सकते हो, पानी वगैरह गर्म करना चाहते हो तो गर्म कर सकते हो, तो सोलर फर्नेस सोलर कुकर में भी इनका यूज किया जाता है कि इनका कौन के मिरर का, तो सारी यूजेस कौन के मिरर के थे वो हम आगे देखते हैं, कैसे हम रेडायग्राम्स के रूल्स पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के, और कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या रेडायग्राम बन सकते हैं वो देखेंगे और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। तो आगे हमने देखे रूल्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के जो है आपके चार रूल्स हैं, अब इन चार रूल्स में पहला रूल जो है आपका वो जो होगा, इधर हमने क्या करना है कि जो फोकस और जो हमारा सेंटर होता है वो आगे ना छोड़ के पीछे की तरफ मान लेना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी आपका मिरर हो गया वो उसके आगे फोकस सेंटर हो सकता है, सेम ऐसे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, ये हमने कॉनकेव में पढ़ा है, अब जो रूल्स हमने कॉनकेव में पढ़े हैं उसके थोड़े से मिलते जुलते रूल्स हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है इसमें। जैसे कि हमने मान लो यहाँ पर पहली जो बीम लाइट है पैरेलल यहाँ पर हमने इस पर इंसिडेंट करी, तो इंसिडेंट राइट रे हमारी वो सीरीज पे गई, तो आपने देखा था कि जो कॉन्वर्स उसमें कॉनकेव में हो रहा था, कॉनकेव में क्या हो रहा था, ये लाइट क्या है पैरेलल आने के बाद फोकस से पास हो रही थी। ठीक है, यहाँ भी ये लाइट पैरेलल आने के बाद फोकस से पास हो रही है, लेकिन वो फोकस कौन सा है, वो इधर का फोकस नहीं है, पीछे की तरफ का फोकस है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से पास करोगे तो लाइट कहाँ से पास होगी, या आपकी इस तरह से फोकस से पास होगी आगे की तरफ से। ठीक है, ऐसा लगेगा क्योंकि पीछे पॉलिश है,
तो ये अगर आगे की तरफ इस तरह फोकस से पास हो रही है तो आगे कैसे दिखेगी ये, ऐसे दिखेगी जाते हुए, ठीक है, और ये थोड़ा सा, ठीक है, ये ऐसे दिखेगी। तो हमारी पहली इंसिडेंट रे अगर सीधी आएगी तो इस तरह से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। हालांकि पीछे कहाँ गई है, फोकस पे मीट हुई है, इन्होंने जो अपना क्राइटेरिया होता है कि वो पैरेलल आ रही है वो कहाँ जाएगी, वो फोकस से पास होगी, तो ये आगे जाने के बाद फोकस से पास हो रही है, लेकिन हमें ऐसे पीछे की तरफ से फोकस आगे वाला नहीं है, ये फोकस आपका मिरर के पीछे है, क्योंकि फोकस सेंटर ऐसे आप आगे बना सकते हो ऐसे पीछे बना सकते हो, ठीक है। तो पीछे ऐसा वर्चुअली बनाकर हम देख रहे हैं, तो हमने देखा वर्चुअली बनाकर कि पीछे की तरफ से फोकस से पास हो रही है लेकिन आगे की तरफ ये डाइवर्ज होती दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आप इस पर नॉर्मल बनाते हो तो आपको पता चलेगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ आर के इक्वल है, ठीक है। सेम अगर यहाँ पर हमने देखा था कोई लाइट अगर ऑब्लिकली पास हो रही है या कह लो फोकस से पास हो रही है, मान लो कोई लाइट रे ऐसी आई हमारी जो सीधी फोकस पर हो, ये लाइट कहाँ आ रही है, मतलब ये पीछे की तरफ से फोकस से पास होगी, ठीक है। ऐसे कोई लाइट आ रही है तो ये कैसे पास होगी, हमें पता था कि अगर फोकस पर लाइट आई तो वो पैरेलल जाएगी, ठीक है, इसी का उल्टा हो गया, अगर ऐसे आ रही है तो ऐसे चली जाएगी और अगर ऐसे आ रही है तो ऐसे चली जाएगी, एक्चुअली पीछे फोकस पे ही मीट हो रही है। थर्ड रूल जो है आपका वो है सेंटर वाला जो हमने पढ़ा था पहले, अगर कोई लाइट रे आपकी पीछे की तरफ अगर सेंटर से मीट कर रही है तो आगे भी सेंटर से मीट करेगी, तो ये इंसिडेंट है तो ये क्या होगा आपका, इंसिडेंट है तो ये क्या होगा आपका, यही आपका रिफ्लेक्टेड होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल आर इक्वल है, क्योंकि तो कोई भी रे अगर सेंटर से पास करती है, हमने पढ़ा था पहले कि वो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट बैक करेगी, तो ये पीछे वाले सेंटर से पास कर रही है, ऐसा हमें दिखता नहीं है, ऐसा हम पीछे की तरफ बनाकर पीछे प्रूव कर रहे हैं, हमें केवल यहीं तक देखना है कि ऐसे रे आई तो ऐसे पास हो रही है, अगर यहाँ पर ऐसे रे आई तो ऐसे पास हो रही है, ऐसे आई तो ऐसे पास हो रही है, ठीक है। और तीसरा जो आपको पता है ऑब्लिकली वाला वो इसमें वैलिड रहेगा, इसी की ऑब्लिकली कोई लाइन आती है इस पॉइंट पर और वो ऑब्लिकली पास हो जाती है, ठीक है। अगर आप इसका एंगल आई आर निकालो तो वो क्या आएगा, वो ऑलरेडी इक्वल आएगा। तो ये चार रे डायग्राम्स, चार रूल सही है किसके, कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम्स फॉर्मेशन के, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में हमारे जो रे डायग्राम्स फॉर्म होंगे वो वर्चुअल इरेक्ट होंगे, दो रे डायग्राम फॉर्म होंगे आपके और दोनों के दोनों ही वर्चुअल और इरेक्ट होंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो है फोकस और सेंटर नहीं हो सकता आगे की तरफ, हमने पढ़ा था फोकस सेंटर किसका होगा, ये पोल है आपका, क्योंकि ये क्या है आपका मिरर है जिस फेयर से हमने इसको काटा है, ठीक है। अब जिस फेयर से हमने इसको काटा है, इसको हमने दो तरह पॉलिश किया था, पहला पॉलिश हमने आगे की तरफ किया था तो ये क्या बन गया था, कॉनकेव मिरर बन गया था, अब हमने पॉलिश इसको पीछे की तरफ किया तो क्या बन गया, कॉन्वेक्स मिरर बन गया, लेकिन इस चीज से इसका फोकस और सेंटर चेंज नहीं होगा, फोकस सेंटर मेरा वही रहेगा जहां पर आपका कॉनकेव की साइड होगी, आपका फोकस सेंटर आगे नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता आगे, क्योंकि हमने इसी तरह से पॉलिश किया है, हमारा जो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है जहां से हमने ये काटा है उसी से हमारे फोकस और सेंटर क्या है, डिटरमाइन हुए हैं। अब इधर अगर आप सेंटर बना दोगे तो किस चीज का सेंटर बनेगा, कम काम की बात, अगर मान लो आपने सेंटर यहां बना दिया तो किस चीज का सेंटर है, समझ में नहीं आएगा ना, ये तो सेंटर बनेगा नहीं, इस पे से आपने काटा तो सेंटर नहीं है, इस वजह से सेंटर फोकस इसका उधर की साइड बनेगा जहां से वो सेंटर के स्फीयर का दिखे, इसलिए अगर आपने तो सेंटर बनाया है तो ये उस चीज का सेंटर है जिससे आपने ये अपने स्फेरिकल मिरर को कट किया है, ठीक है। पोल क्या होता है, पोल आपका इसका सेंटर होता है मिरर का, तो इस वजह से सेंटर और फोकस कॉन्वेक्स मिरर के आगे ना होकर पीछे की तरफ होते हैं, इधर पॉली सर पे होते हैं वहां पर आपका फोकस सेंटर होते हैं, क्योंकि वहां पर फोकस सेंटर होते हैं तो उसी हिसाब से हमने क्या बना दिए, रूल्स बना दिए, और उसी हिसाब से हम दो कंडीशन देखेंगे अपने ऑब्जेक्ट रखने की, कॉन्वेक्स मिरर के आगे और दो रेडाग्राम्स आपके फॉर्म होंगे और दोनों रेडाग्राम्स की जो इमेज होंगी वो कैसी होंगी, वर्चुअल और इरेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं क्या क्या इमेज फॉर्मेशन होगी आपके कॉन्वेक्स मिरर से, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि कौन कौन सी इमेज फॉर्मेशन होती है हमारी कॉन्वेक्स मिरर से। तो कॉन्वेक्स मिरर से हमारे दो रेडाग्राम बनते हैं, पहला जो कंडीशन हो सकती है, हमेशा हमें पता है कि कोई भी रेडाग्राम बना रहे हैं, इमेज फॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजिशन से मेन इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट आप प्लेस कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने देखा था कॉनकेव मिरर में कि ऑब्जेक्ट जो प्लेसिंग है उसकी छह कंडीशन हो रही थी, पहली कंडीशन इन्फिनिटी पर कि ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर हो, दूसरी कंडीशन बियॉन्ड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा दूर रखा हो, ठीक है, तीसरी कंडीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यानी कि सी पे रखा हो, चौथी कंडीशन बिटवीन सी एंड एफ यानी एफ और सी के बीच में रखा हो, पांचवी कंडीशन एफ पे रखा हो यानी फोकस पे रखा हो, और सिक्स और लास्ट कंडीशन बिटवीन एफ एंड सी यानी फोकस, सॉरी बिटवीन एफ एंड पी यानी फोकस एंड पोल के बीच में रखा हो।
ठीक है, तो ये छह कंडीशन थी ऑब्जेक्ट की, इसी वजह से हमारे छह रे डायग्राम्स फॉर्म हुए थे। किसमें? कॉनकेव मिरर वाले केस में। कॉन्वेक्स मिरर में पता है कि इतनी कंडीशंस नहीं होगी, कॉन्वेक्स मिरर का जो आपका सेंटर फोकस है वो पीछे की तरफ होता है, ठीक है, तो आगे की तरफ आपकी दो कंडीशन बचती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि ऑब्जेक्ट आपका कहां पर हो? इन्फिनिटी पर हो। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर हो? पोल और इन्फिनिटी के बीच में हो, ठीक है, और कोई तीसरी चौथी कंडीशन में नहीं बनती, क्योंकि कंडीशन नहीं बनती तो दो रेडियोग्राम इसके बनेंगे, तो दो इमेज फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। पहला इमेज फॉर्मेशन ये है कि आपको ऑब्जेक्ट जो रखा है वो इन्फिनिटी पे, यानी कि बहुत दूर रखा है, तो बहुत दूर अगर आप ऑब्जेक्ट रखा है तो उसमें आप देखो रेडियोग्राम बनाएंगे आप ऐसे, मान लो आपका पैरेलल लाइट आ रही है वहां से, ठीक है, और हमने देखा था कि पैरेलल आएगी तो कहां से पास होगी? वो आगे से फोकस से पास होगी, और यहां से चली जाएगी, फोकस से आ रही है, फोकस से चली जाएगी, ये इंसिडेंट, और ये आगे क्या होगी आपका रिफ्लेक्टेड रे। सेम ऐसी पैरेलल नीचे से भी आ सकती है, और आगे की तरफ कहां से पास हो रही है वो एक्चुअली में? वो एक्चुअली में फोकस से पास हो रही है, सेम यही केस हमने कॉनकेव में देखा था, लेकिन वो कॉनकेव का केस हमने पीछे की तरफ से देखा था, वहां पर भी अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो सारी लाइट फोकस पे कंसंट्रेट हो जाती है, कंसंट्रेट होने के बाद फोकस पे क्या होता है आपका इमेज फॉर्मेशन होती है, जो कि बहुत छोटी होती है, पॉइंट साइज होती है और रियली इन्वर्टेड होती है। ये किसमें था? कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स में भी वही हुआ है, लेकिन फोकस कहां है इसका? पीछे की तरफ है, तो वर्चुअली यानी कि पीछे की इमेज जो बन रही है क्या बन रही है? वर्चुअल इमेज बन रही है, रियल नहीं है, रियल जब है तो इमेज आगे ही बनती, ठीक है, इमेज कहां बनी है? पीसी की तरफ बनी है मिरर के, तो हम उसे देख नहीं सकते, हम स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, वो इमेज वर्चुअल है, रियल में है ही नहीं वहां पर इमेज, ऐसा लग रहा है कि वहां इमेज है, तो ये वर्चुअल इमेज कहां बनी? पीछे की तरफ बनी है। तो हमने देखा कि अगर लाइट इस तरह आएगी तो ऐसे पास होगी, ऐसा आएगी ऐसा आएगी, ठीक है, और इसकी जो इमेज होगी उसकी तीन प्रॉपर्टी होंगी जो मैं कमेंट करनी होती है एग्जाम में। पहली क्या है? पोजिशन। पोजिशन जो होगी उसकी आपकी एफ होगी, यानी इमेज जो बनी हमारी कहां पर बनी है? फोकस से बनी है, एफ पर। दूसरा नेचर क्या होगा इस इमेज का? वर्चुअल और इरेक्ट। कोई भी इमेज अगर पीछे बन रही है या वर्चुअली बन रही है तो कैसे होगी? इरेक्ट होगी, ठीक है, जैसे कि प्लेन मिरर में अपने आपको देखते हो आप, तो इमेज क्या होती है? ऐसा लगता है कि वहां पर भी मैं या मेरे जैसा कोई आदमी खड़ा है, तो वो क्या है? वर्चुअल इमेज है, जो कैसी होगी? वो वर्चुअल होती है। दूसरा इरेक्ट होती है, यानी कि उल्टी नहीं होती है, वो जैसा जिस ओरिएंटेशन में मैं खड़ा हूँ उसी ओरिएंटेशन में आपको सामने मिरर में मेरा दूसरा पार्ट, दूसरा जो इमेज है वो दिखाई देती है, वो सेम उसी ओरिएंटेशन में होती है, तो वर्चुअल इरेक्ट होगी। तीसरी चीज, इमेज का साइज कितना होगा? क्योंकि यहाँ पर साइज में क्योंकि बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा? बहुत ही पॉइंट साइज होगा, यानी कि बहुत ही छोटी आपकी इमेज बनेगी। अगला जो आपकी कंडीशन है वो ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी और पोल के बीच में आपका क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है। अगर आपका ऑब्जेक्ट पोल इन्फिनिटी के बीच में रखा है तो उसकी आप इमेज फॉर्मेशन देखें कि मान लो आपका सी पे और एफ पे, ये आपका ऐसे पैरेलल लाइट जाती है और ये कहां से पास करती है? ऐसे नहीं पता है, लाइट सारी की सारी आपकी फोकस से पास कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो सकता है कि आप मान सकते हो कि जो आपकी लाइट है वो ये यहां से सीधे जाने के बाद यूं चली गई, ठीक है, ऐसे आई और ऐसे चली गई, ये रियल इमेज, रियल आपकी लाइट रेज बन रही है, पीछे वर्चुअल बन रही है, ठीक है, इसे डैश से पीछे की तरफ दिखा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा आपका कंडीशन हो सकती है कि मान लो सेंटर से निकाल सकते हैं एक लाइट रेज, कहां से निकाल सकते? सेंटर से निकाल सकते हैं, तो सेंटर से निकालने के लिए आपको ये इमेज मान लो सेंटर तक ले आना, आपको थोड़ी इमेज हमने छोटी बना दी लेकिन कोई बात नहीं, तो ये आपका यहाँ से सेंटर से निकल जाएंगे, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, ये आपने ऐसे एक कंडीशन हो सकती है कि सेंटर पर आई और सेंटर से ऑब्लिगी वापस चली गई, ठीक है, ये सेंटर से आई और सेंटर पर वापस जा रही है, ठीक है, और ये आपकी आगे की तरफ कहाँ मीट हो गई? ये आगे की तरफ सेंटर से मीट हो गई, ठीक है। इसे अगर आप बनाना चाहें तो रेड से बना सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, सेंटर से पास हो रही है, दूसरा आपकी कहां से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है, ठीक है, और ये दोनों कहां मिल रही है? यहां पर ही क्या है, दोनों की दोनों आपकी मीट हो दिखा दे रही है इस जगह पर, ठीक है, तो यहां जो मीट हो रही है ये तो क्या बन गया यहां पर आपका ए डैश और बी डैश, यानी कि यहां पर इमेज आपकी फॉर्म्ड हो गई, कहां पर हुई है? पीछे की तरफ हुई है, और इस बार पीछे की तरफ कितनी इमेज फॉर्मेशन, एक इमेज फॉर्मेशन हुई है, कैसे हुई है? छोटी हुई है,
ठीक है। तो पोजीशन क्या होगी आपकी इमेज की, पी एंड एफ के बीच में होगी, ये आपका पोल है, ये आपका एफ है, इसके बीच में आपकी क्या बनी है, इमेज फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अगर आप रफ में बनाओगे अच्छे से, अगर रफली बनाया मैंने तो आपको पता चलेगा कि जो आपकी इमेज है पी और एफ के बीच में बनी है। ठीक है, दूसरा जो आपका नेचर होगा वो क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा, पीछे की तरह इमेज बनी है तो वर्चुअल होगी, और जैसे ओरिएंटेशन में ये थी इरेक्ट तो इरेक्ट ही बनेगी। थर्ड साइज क्या होगा, डिमिनिश, डिमिनिश मतलब स्मॉल साइज होगा, जैसे कि आप देख सकते हो इमेज का साइज क्या है, स्मॉल है। तो अब तक हमने देख लिया कि इमेज फॉर्मेशन दो होती है हमारी कॉन्वेक्स मिरर में, दो कंडीशन पर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या क्या साइन कन्वेंशन है, कि हम कैसे मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे और कैसे हम इसमें न्यूमेरिकल्स परफॉर्म कर सकते हैं अपने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से। ठीक है, तो देखते हैं, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में।